हेलो बच्चों, नागेश करेजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? तो हमने हमारे पिछले तासिका में कविता 8 पानी, इसके जो प्रश्नोत्तर है पाठ्यपुस्तक में के, उसका हमने लेखन और वाचन किया था। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम हमारा जो अगला पाठ है, पाठ क्रमांक 9, एक बहादुर लड़की, इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ हमें दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, उसका थोड़ा सा सारांश मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस पाठ में हमें क्या बताया है कि एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है सरस्वती। तो वो जो छोटी सी लड़की है वो कैसे अपने जो गांव में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आना मतलब पानी का बहुत ज्यादा बहाव हो जाना। अब हमारे यहाँ पर भी बारिश का मौसम है, जब बहुत जोर से बारिश होती है और बारिश रुकती नहीं है तो जगह जगह क्या होता है, पानी जमा होता है। अब जब बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा, पानी को जाने के लिए कुछ भी अगर रास्ता नहीं बचेगा तो क्या आएगी, बाढ़ आएगी। तो इस बाढ़ से वो सरस्वती अपने जो गांव के लोग हैं, पशु है, पक्षी है, उनकी कैसे सहायता करती है, उनको कैसे बचाती है और उन सब की कैसे मदद कर अपने पूरे गांव के लोगों की, वो छोटी सी एक जो लड़की है बहादुरी से इन सबको कैसे बचाती है, इस पाठ में आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, अब आप क्या करोगे, आपकी जो दूसरी की पाठ्य पुस्तक है उसको निकालोगे और हमारा जो पाठ क्रमांक 9 है, एक बहादुर लड़की, उसको निकालोगे। तो चलिए बच्चों, आप अब अपना पन्ना नंबर 48 निकालिए। चलिए, अब आप अपना जो पन्ना नंबर 48 है उसको निकालिए और अपनी अध्यापिका के पीछे सही तरीके से शब्दों के नीचे अपनी उंगली रखकर उसका वाचन कीजिए। हम हर वक्त पाठ का वाचन क्यों करते हैं बच्चों, क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि हमारी जो वाचन की क्षमता है, वाचन की जो गति है वो अच्छी हो और हमें ये जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो हमें अच्छे से पढ़ना आ जाए, इसलिए हमारे जो अध्यापिका हैं हमारा हर वक्त पाठ का वाचन लेते हैं। तो जब हम पाठ का वाचन करते हैं तो हमें पूरी एकाग्रता से, पूरे ध्यान पूर्वक उन शब्दों को देखना है, उसके नीचे रखना है और सही उच्चारण के साथ उनको पढ़ना है। तो चलिए, अब हम पाठ का वाचन, अपनी उंगली रखिए, दोहराइए। पाठ क्रमांक 9, एक बहादुर लड़की। अब इस पाठ के लेखक कौन है, शंकर सुल्तानपुरी। हमारे इस पाठ का नाम क्या है बच्चों, एक बहादुर लड़की। चलिए, पहले लाइन पर अपनी उंगली रखिए और मेरे पीछे पढ़िए। सन 1973 की, कैसे पढ़ेंगे इस संख्या को हम, 1973 की घटना है। सरस्वती अपनी नाव लेकर सवारी पहुंचाने और
मछली पकड़ने नदी पर गई थी। नदी पर गए उसे काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसके माता पिता काफी चिंतित हो रहे थे। और सरस्वती भयानक बाढ़ के पानी को देख रही थी। अब हमने इस पहले पैराग्राफ का वाचन किया है। अब इस पैराग्राफ में दो हमें डार्क अक्षर में शब्द दिखते हैं। कौन कौन से है वो? पहला जो है सवारी। सवारी यानी क्या? किसी वाहन से यात्रा करना। अब हम भी किसी वाहन से सवारी करते हैं क्या? नहीं। जब कभी हमारे पप्पा बाहर जाते हैं तो हम उनके टू व्हीलर पर एक चक्कर घूम कर आते हैं ना, तो हम भी क्या करते हैं? वाहन से सवारी करते हैं। अब दूसरा कौन सा है डार्क अक्षर में शब्द? कौन सा आया है? बाढ़। बाढ़ यानी क्या? बहुत अधिक मात्रा में नदी आदि का पानी एकत्र हो जाना, यानी बहुत ज्यादा पानी जमकर जब आता है तब बाढ़ आती है। चलिए अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। बराबर से अपनी उंगली रखिए और दोहराइए। गांव से आती लोगों और पशुओं की चीख पुकार से वह डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यह समझने में देर न लगी कि गांव में पानी काफी ऊपर चढ़ चुका है और गांव वाले सुरक्षा पाने के लिए तड़प रहे हैं। सरस्वती तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पर आ गई। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे से मेरे पीछे दोहरा रहे हो और सही उच्चारण के साथ आप पढ़ रहे हो। वेरी गुड। देखिए अब इस पन्ने पर शब्द कौन कौन से आए हैं? सवारी। नीचे साइड में लिखा हुआ है ना पाठ्य पुस्तक के, हाँ उसके ऊपर उंगली रखकर पढ़िए। सवारी, किसी वाहन से यात्रा करना, टू राइड। अब अगला शब्द कौन सा है? बाढ़। और उसका अर्थ भी हमें यहां पर सामने दिया गया है। क्या है? देखिए, बहुत
अधिक मात्रा में नदी आदि का पानी एकत्र हो जाना, यानी कि सैलाब आना, फ्लूड। देखिए अब हमारा अगला पन्ना निकालिए। चलिए अपनी उंगली बराबर से उन शब्दों के नीचे रखिए और पढ़िए। उसने जल्दी से अपनी नाव खोली और पतवार यानी क्या, नाव में पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी। नाव के ऊपर जो एक तिकोनी लकड़ी लगी होती है उसे क्या कहते हैं, पतवार कहते हैं। तो पतवार चलाती हुई आगे बढ़ने लगी, अपनी छोटी सी नाव में उसने बाढ़ से परेशान लोगों को बिठा लिया और सुरक्षित जगह की ओर चल दी। पानी की तेज धारा और हवा के झोंकों से नौका इधर उधर डगमगा रही थी, मगर अकेली सरस्वती बड़े धीरज और साहस से पतवार चलाती जा रही थी। देखिए अगली लाइन पर अपनी उंगली रखिए और ध्यान देकर पढ़िए। सारी रात वह बाढ़ से परेशान गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करती रही। उसने पल भर भी आराम नहीं किया। उसकी कोशिश से एक
ने नहीं पाया था। गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे। सरस्वती नाव लेकर अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्हें भी नौका में बिठा कर सुरक्षित यानी कि एकदम से संभाल कर ध्यानपूर्वक जगह पर पहुंचा दिया। अब शब्दों को पढ़िए। इस पाठ में बहुत सारे जोड़ाक्षर भी आए हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए जिससे कि आपको सराव हो जाएगा और आपकी वाचन में सुधार आ जाएगा। सरस्वती के माता पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे गांव वालों की जान बचाई है, तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे अपना दुख भूले। देखिए अब अगला बिहार राज्य की इस पंद्रह साल की बहादुर लड़की को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसी पुस्तक यानी कि ये जो साहसी कथा हमें आज बताई गई है तो वो किससे ली गई है? बेटियां हो तो ऐसी नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में से यह एक छोटी सी साहसी कथा हमें बताई गई है। तो इसके नीचे कौन कौन से शब्द हैं और उनके अर्थ हैं हम पढ़ेंगे। चलिए नीचे के साइड में अपनी उंगली रखिए, नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं ना, हाँ वहां पर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। पतवार, नाव में पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी।
हम भी ड्राइंग में नाव बनाते हैं ना, जहाज नाव बनाते हैं ना, तो उस नाव के ऊपर हम भी एक तिकोनी लकड़ी बनाते हैं, जिससे कि वो जो नाव है वो पानी में तैरती रहती है। सुरक्षित, संभाल कर, सुरक्षित यानी संभाल कर। पुरस्कार, देखिए पुरस्कार के क्या क्या अर्थ है। इनाम, दोहराइए मेरे पीछे, उपहार, भेंट। हम भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हैं या फिर स्कूल में कंपटीशन में सहभाग जब लेते हैं तो हमें जीतने पर उपहार मिलता है, पुरस्कार मिलता है, भेंट भी मिलती है। तो इन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए, तो चलिए पन्ना नंबर 48 निकालिए और ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, आज हमने हमारा जो पाठ 9 है उसका हम वाचन करे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। तो इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है, कितने साल की है वो लड़की? सही कहा, वो जो लड़की है 15 साल की है। कौन से राज्य की है वो? हाँ, बिहार राज्य की। एक 15 साल की जो बहादुर लड़की है वो कैसे अपने गांव में आए हुए बाढ़ का सामना कर कर अपने गांव में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर लाती है, और ऐसा करने पर उसे क्या मिलता है आखिरी में? पुरस्कार मिलता है। तो कौन सा पुरस्कार मिलता है उसको? राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। तो हमें इस साहसी कथा के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं कि खुद के प्राणों की चिंता न कर कर दूसरों की जान बचाना चाहिए, यही सच्चा मनुष्य धर्म होता है। और समय पड़ने पर अपने प्राण जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची मनुष्यता कहलाती है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखे, दया करुणा मानवता का भाव रखे। देखिए बच्चों, अगर हम तो अभी छोटे हैं लेकिन हमें भी कभी कभी बहादुरी दिखाना चाहिए। जब संकट आता है, मुसीबत आती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए उस संकट का, उस मुसीबत का। ये जो सरस्वती नाम की लड़की है, इसने कैसे बहादुरी दिखाकर संकट का सामना कर कर लोगों की जान बचाई है। तो हमें भी संकट के समय, मुसीबत के समय बहादुरी दिखाना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। बहादुरी दिखाना चाहिए मतलब हमें भी ऐसे बड़े बड़े काम करने चाहिए क्या? नहीं, हम अभी छोटे हैं तो हमें हमारे उम्र को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो देखिए, इस कहानी में एक बहादुर लड़की के पाठ में एक लड़की की बहादुरी बताई गई है। बात सन 1973 की है, यानी सन 1973 की। अभी चल रहा है 2020, लेकिन ये जो कहानी कब की है? 1973 की कहानी है। सरस्वती अपनी नाव लेकर सवारी पहुंचाने और मछली पकड़ने नदी पर जाने के लिए निकली थी। ये जो सरस्वती है वो क्या कर रही थी? अपने गांव में जो नदी है उस नदी पर सवारी पहुंचाने और मछली पकड़ने के लिए वो नदी पर गई थी। तभी गांव के लोगों और पशुओं की चीख पुकार से वह डर गई। जब वो नदी पर मछली पकड़ने के लिए गई थी तो वहां पर उसे उसके गांव के जो पशु है, जो लोग है, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उससे वह डर गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी समझ में आ गया कि गांव में जो पानी है वो काफी ऊपर चढ़ चुका है और गांव वाले जो है सुरक्षा पाने के लिए तड़प रहे हैं। जब वो नदी में मछली पकड़ने के लिए गई थी तो उसे चीखने चिल्लाने की आवाज आने पर उसने ध्यान से देखा कि गांव में जो पानी की मात्रा है वो बढ़ रही है और गांव वाले सुरक्षा पाने के लिए, बचने के लिए
तड़प रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सरस्वती फौरन दौड़कर नदी के किनारे आ गई। उसने जल्दी से अपनी नाव खोली और पतवार चलाती हुई बाढ़ से गिरे लोगों को अपनी नाव में बैठाती गई। तो ये जो सरस्वती है, देखो कितनी बहादुर है। जो लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अपनी नाव उस और जल्दी से उन लोगों तक वो पहुंच गई और उन लोगों को एक एक कर कर अपने नाव में बिठाती चली गई। पानी की तेज धारा और हवा के झोंकों से नौका डगमगाने लगी। जब पानी का बाढ़ बहुत बढ़ गया, उसकी मात्रा बढ़ गई, तो वो जो नाव है वो डगमगाने लगी, हिलने लगी। पर सरस्वती ने धीरज और साहस से पतवार चलाती गई और सारी रात वह बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करती रही। सरस्वती में इतना साहस था और वो इतनी बहादुर थी कि रात भर एक एक कर कर वो लोगों की जान बचा रही थी। उसकी कोशिशों से एक भी व्यक्ति डूबने नहीं पाया। पानी की मात्रा इतनी तेज थी कि व्यक्ति डूब भी जा सकता था, लेकिन सरस्वती की होशियारी बहादुरी से कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं। आखिर में उसने अपने माता पिता को भी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। उसके माता पिता भी उसी गांव में रहते थे। सब लोगों की जब जान बचाई उसने, सब लोगों को जब सुरक्षित जगह पर उसने पहुंचाया, तो आखिरी में उसने अपने माता पिता को भी किसी सुरक्षित जगह पर ले गई। सरस्वती की यह बहादुरी देख और जानकर उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। पहले तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो रहे थे कि रात भर से हमारी जो बच्ची है घर नहीं आई है, इस फिकर में वो थे। लेकिन उन्हें जब पता चला कि सारे गांव वालों की जो जान है वो हमारी बच्ची ने बचाया है, सरस्वती ने बचाया है, तो उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। बिहार राज्य की इस 15 साल की बहादुर लड़की को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो छोटी सी लड़की हमें यहाँ पर चित्र में भी दिख रहा है कि कैसे उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्यों सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि उसने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई और बहुत सारे लोगों की उसने जान बचाई थी, इसलिए उसे वह पुरस्कार मिला है। तो बच्चों, हम भी इस कहानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही छोटे छोटे बहादुरी वाले अगर हम काम करेंगे तो हम भी हमारे जीवन में, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे और हमें भी ऐसे धीरे धीरे कर कर कभी तो हम कोई तो राष्ट्रीय पुरस्कार हम ले लेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमारा पाठ क्रमांक 9, एक बहादुर लड़की सरस्वती की साहसी कथा आज हमने सीखी है। और हमें इस पाठ से क्या सीख लेनी है? जब कोई मुसीबत आता है, जब कोई संकट आता है हमारे ऊपर, तो हमें उसका सामना करना चाहिए और हमें बहादुरी दिखानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आज मैंने जो पाठ आपको सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है? तो इस पाठ का आपको अच्छे से वाचन करना है और इसके नीचे जो शब्द है और उनके जो कुछ भी अर्थ दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।